बांगरमऊ यशोदा कुंज बैंकट हॉल में प्रेस वार्ता कर राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन के संस्थापक राष्ट्रीय चिंतक एवं विचारक श्री केन गोविंदाचार्य जी ने कहा कि नरोरा के बुलंदशहर से 11 अक्टूबर को शुरू हुई गंगा संवाद यात्रा 30 नवंबर को कानपुर में पूरी हो जाएगी। उसके पश्चात व्यक्तिगत अनुष्ठान किया जाएगा। समाज की स्थितियां को गंगा जी के संदर्भ में समझाना ही इस यात्रा का उद्देश्य है। इसके दो पहलू नजर आए, एक तो गंगा जी को अविरल और निर्मल बनाना, जिसके लिए बहुत ज्यादा पैसे खर्च हुए हैं, लगभग 18,500 करोड़ रुपए खर्च बताया गया है। लेकिन समस्या की निरंतरता और निर्मलता के संदर्भ में समझ और जानकारी की कमी है। गंगा जी को गंदा ना किया जाए, बस इतनी ही भावना होने चाहिए। 28 तारीख की यात्रा को कानपुर में पूरी कर 29 तारीख को IIT जाऊंगा और 30 तारीख को बिठूर में यात्रा का समापन करूंगा, ऐसा हमारे गुरु ने बताया। राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन के तत्वाधान में गंगा संवाद यात्रा का आज 35वां दिन है। बैंकट हॉल के बांगरमऊ से यात्रा हाफिजबाद फतेहपुर काली मिट्टी गांव तक 350 किलोमीटर तक चली और फिर काली मिट्टी में रात्रि विश्राम किया गया। इस यात्रा में विधायक श्रीकांत कटियार, विभाग प्रचारक कौशल किशोर, आदर्श शुक्ला, महेंद्र चंद्र, गोविंद कुशवाहा, सरोज सैनी, अरविंद तिवारी, सागर पाठक, संजय शर्मा आदि लोग शामिल रहे।